नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। पिछले 2-3 सेशन में एक रेंज में ट्रेड करने के बाद अचानक से ही हमने नेचुरल गैस में एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीनों से कंटिन्यू हम एक गिरावट का रूप ही देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जनवरी फरवरी मार्च के अंदर प्राइजेस के अंदर काफी लोअर लेवल पे था, बट रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद प्राइजेस के में एक बहुत बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी। सिंस देन मार्केट में कंटिन्यू गिरावट बनी हुई है और पिछले एक हफ्ते में हमने लगभग 15% की गिरावट और पिछले एक महीने में लगभग 33% की गिरावट हमने आते हुए देखी है। टेक्निकली अगर हम देखें तो इस वक्त प्राइजेस 5, 10, 15, 5, 10, 20, 50, 100, 200 मूविंग एवरेज के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, विच इज अगेन अ नेगेटिव ट्रिगर। बिकॉज कोई भी कमोडिटी अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करती है तो हम मानते हैं कि प्राइजेस में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो 524 के नीचे जब तक प्राइजेस ट्रेड कर रही है कहीं ना कहीं ट्रेंड वीक है, बट हाँ 524 से 490 का जो रेंज है वो काफी बड़ा रेंज है, तो पॉसिबल है कि हम एक पुल बैक देख पाए टेक्निकली, क्योंकि RSI अब 38 की तरफ पहुंच चुकी है, CCI -80 पे है, ATR करीबन 34 पे है, MACD -27 पे, ADX बता रहा है कि आगे जाके वॉलिटिलिटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। 52 वीक्स लो पे हमने प्राइजेस को ट्रेड करते हुए देखा जो 485 का लेवल है। ओपन इंटरेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो अभी भी फॉल है, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग लिक्विडेशन का संकट बता रहा है। चार्टिकली अगर देखें तो 480 टेक्निकली अगर सपोर्ट वाइज देखें तो 480 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो डेफिनेटली प्राइजेस 445 तक के भी लेवल दिखा सकता है, बट एज ऑफ नाउ टेक्निकल पुलबैक अगर मिल भी जाता है दैट डजंट मींस कि मार्केट में तेजी आ चुकी है, बिकॉज जब तक प्राइजेस 524 के नीचे ट्रेड कर रहा है टेक्निकली मार्केट वीक रहेगा। क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट थी? तो पहला हमने देखा 7% की जो बड़ी गिरावट आई है वो हमने देखा कि रिकॉर्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन US में होते हुए दिख रहा है, साथ में वेदर ड्राइवन डिमांड है उसमें कमी आते हुए दिखाई दी है। रिसेंटली EIA ने जो रिपोर्ट बताई है जिसके अंदर 125 BCF से स्टोरेज में हमने एक एडिशन देखा है जिसकी वजह से ये गिरावट बनती है, और ये चौथा हफ्ता है कंटिन्यूली जहाँ पे हम 100 से ज्यादा क्वांटिटी देख रहे हैं कि स्टोरेज में बढ़ते जा रहे हैं और माइल्ड वेदर की वजह से डिमांड डिटोरेट हो रही है। एवरेज गैस आउटपुट की बात करें US के 48 स्टेट्स के अंदर ये अब 99.9 BCF पे चल रहा है, जबकि पिछले महीने ये 99.4 था, जिसकी वजह से भी प्राइजेस में दबाव बना हुआ है। रिसेंटली हमने देखा था हरिकेन की वजह से जो LNG एक्सपोर्ट था उसमें कमी आई है, क्योंकि पावर आउटेजेस की जो डिमांड थी वो कम हुई है। वहीं यूरोप में अगर हम बात करें तो जो कैपेसिटी है या स्टोरेज कैपेसिटी है वो लगभग 91-95% रीच कर चुकी है, जिसका जो पहले कंसर्न था वो अब नहीं है। UK के अंदर भी ओवरऑल जो स्टोरेज फैसिलिटी वो 100% बढ़ चुकी है, और वेदर भी माइल्ड वेदर बताया जा रहा है जिसकी वजह से ये गिरावट आई थी। टेक्निकली देखें तो यहाँ पे कुछ एक नया चीज देखने मिला है, एक तो बड़ा बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। बुलिश फ्लैग पैटर्न होता क्या है कि मार्केट में तेजी के बाद एक गिरावट का रूप लेती है और फिर मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है जो एक तेजी बनाता है। तो टाइमिंग इस फ्लैग पैटर्न का अगर डाउनसाइड देखें तो लगभग होता है करीबन 470 के करीब का, और ABC पैटर्न भी अगर हम देखें इलियट वेव का तो ये भी बताता है कि 470 का स्ट्रांग सपोर्ट है। तो टेक्निकली जब तक प्राइजेस 470 का लेवल ब्रिज नहीं करता है एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज लगभग 514 का लेवल है। तो जब तक प्राइजेस 514 के ऊपर नहीं निकलता है और 470 का लेवल मेंटेन करता है एक दायरा मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद अब कंसोलिडेशन है, लेकिन नई तेजी के लिए 514-520 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है और मंदी के लिए 470। तो आई थिंक मार्केट 470 से 515 के बीच में ही इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा अगले 2-3 सेशन। इचिमिको क्लाउड रेड में है बट फ्लैटनिंग हो चुकी है और एक्सपांडेड है, तो यहां से कॉन्ट्रेक्शन पॉसिबल है। तो नेचुरल गैस में टेक्निकली एक पुलबैक पॉसिबल है जो 510-12 तक का लेवल दिखा दे। सीजनैलिटी के हिसाब से अक्टूबर नवंबर काफी स्ट्रांग मंथ माना जाता है, यहां पे रिकवरी हमेशा रहती है क्योंकि विंटर डिमांड स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। ओवरऑल नेचुरल गैस में 470 के स्टॉप लॉस से थोड़ी बहुत बाइंग की जा सकती है जो